अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्दुल सलाम है। मैं डायरेक्टर हूँ अपनी कंपनी का, इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्टिंग कैंटीनिंग कंपनी का डायरेक्टर हूँ, और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फॉरेन कंपनीज को पाकिस्तान में। और ग्लोबल लुब्रिकेशन जर्मनी की कंपनी है, इसी तरह और कंपनियाँ भी हैं फॉरेन कंपनी। और मैं इस वक्त जो मार्केटिंग मैंने प्लेटफॉर्म है मेरा जहाँ पे एक्सपो सेंटर में है, वो ग्लोबल लुब्रिकेशन के हवाले से है। इनको मैं रिप्रेजेंट करता हुआ लास्ट 50 ईयर से कर रहा हूँ। इनके इम्पोर्टेड में मंगा के वो इम्पोर्ट करके सारे आइटम रखता हूँ और मार्केट में सेल करता हूँ। ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में जिसमें आपकी टेक्सटाइल है, फूड है, वुड है और सीमेंट इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, इन तमाम सेक्टर में हमारे प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। लास्ट 50 साल 50 ईयर से हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि आप इंपोर्ट करते हैं, अभी जैसे आपसे बात हुई इंपोर्ट के हवाले से, तो इंपोर्ट के हवाले से जो अभी एलसीएस के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एलसीएस खुल नहीं रही है, डॉलर के रेट काफ़ी ऊपर चले गए हैं, वेरिएशन काफ़ी है, तो उस हवाले से इंपोर्टर भी काफ़ी मुतासर हो रहे हैं और कस्टमर भी मुतासर हो रहे हैं जी। उस हवाले से आप क्या हाईलाइट करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, क्या फेस कर रहे हैं आप? मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ कि मेरे जो डॉक्यूमेंट बाहर से आते हैं मेरे बैंक में तो वो रिटायर्ड नहीं हो रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द डॉलर इन स्टेट बैंक, और जिसकी वजह से मुझे हैवी डैमेजेस पे कर रहा हूँ, और शिपिंग कंपनी में से चार्ज कर रही है कंटेनर रेंट $125 पर डे। अच्छा। हाँ, जो कि वो हैवी है। अभी लास्ट मैंने जो कंसाइनमेंट क्लियर होकर आया है, मैंने 2 महीने का डैमेज भी पे करा है अपने कंटेनर पे और रेंट भी पे करा है $125 पर डे के हिसाब से शिपिंग कंपनी को। ये वो खर्चे हैं जो ड्यूटी और टैक्सेस के अलावा हैं। नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा ना कि एज सून एज पॉसिबल इस मसले का हल होना चाहिए, क्योंकि एक तो आपके प्रोडक्ट इम्पोर्टेड हैं, दूसरे आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। मैं हर एक आदमी जो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ाएगा तो एट दी एंड यूज़र जो है प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने वाला है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आइटम बना रहा है, उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी ओनली बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द डॉलर इन द स्टेट बैंक, और वो हैवी ड्यूटी और हैवी टैक्सेस और हैवी प्लेंटी वगैरह दे रहा है। तो इस मसले का एज सून एज पॉसिबल हल होना चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अभी भी तकरीबन इस वक्त जो है 25% इम्पोर्ट रह गई है हमारी अपनी भी। हम हर महीने तकरीबन एक कंटेनर सी का हमारा 20 फीट का 40 फीट का क्लियर हो रहा था, इसी तरह एक दो कंसाइनमेंट एयर के आ रहे थे जो रिड्यूस होकर 25% रह गए। नहीं, वक्ती तौर पर आप कह सकते हैं, लेकिन परमानेंट इसका हल ये नहीं है, क्योंकि क्वालिटी के में बड़ा फ़र्क होता है इम्पोर्टेड गुड्स में और लोकल में। आप मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहेंगे जी 6 महीने तक और 8 महीने तक और 2 महीने तक हम लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की बात सही है। मिसाल के तौर पर जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं वो उनकी थोड़ा मोनोपोली भी हो गई है, उनकी सेल डबल और ट्रिपल भी हो गई है एग्रीड, लेकिन इस मसले का हल ये नहीं है, क्योंकि क्वालिटी का बड़ा डिफरेंस है आपके हमारे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट और लोकल प्रोडक्ट में। हमारे साथ हार्ड लग ये रही है पाकिस्तान में कि हम लोग मेयार वो नहीं बना पा रहे इम्पोर्टेड गुड्स की तरह। प्रोडक्ट की क्वालिटी से मुराद जहाँ पे ये है कि मेरा प्रोडक्ट अगर जी हाँ मशीनरी भी इफेक्टेड होती है और ड्यूरेशन भी कम हो जाता है और शेल्फ लाइफ भी कम होती है। मेरा प्रोडक्ट इम्पोर्टेड अगर आप 6 महीने इस्तेमाल कर रहे हैं बगैर एनी प्रॉब्लम,
तो 2-3 महीने बाद लोकल आपको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें अभी लोकल मार्केट में जो लोकल मैन्युफैक्चर काम कर रहे हैं तो उसमें मतलब प्राइस वाइज में कुछ फर्क है? ज़ाहिर है, लोकल अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और लोकल रॉ मटेरियल लेके उसको डेवलप कर रहा है तो डेफिनेटली कॉस्ट में फ़र्क आएगा। अच्छा, लेकिन आजकल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है तो कस्टमर की परचेसिंग पावर कम हो रही है। जी हाँ, तो मतलब कस्टमर चाहता है कि यार कम से कम उसमें जो है हम काम को चलाएं। सही बात। तो मसला है जो वो फिर चीपेस्ट प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, तो सवाल है क्या कहना चाहेंगे? चीपेस्ट प्रोडक्ट की तरफ जाते तो हैं लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं होगी। वो मैं आपको जवाब दिया पहले, थोड़ी देर पहले एक बात का कि कहने वक्सी तौर पे तो इंडस्ट्री को अपनी बंद करना नहीं चाहता है, लोकल पे आ जाएगा और इस्तेमाल भी करेगा। और ये जो डॉलर की शॉर्टेज का मसला है, 6-3-4 महीने वक्सी तौर पे तो कर लेगा, लेकिन फाइनली जैसे हालात नॉर्मल होंगे इंशाल्लाह ताला लोग वापस इम्पोर्टेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेड गुड्स में और लोकल गुड्स में क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जर्मन से भी बहुत से लोग मंगा रहे हैं, चाइनीज प्रोडक्ट। जी हाँ, हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके हर कंट्री में तकरीबन प्लांट हैं, चाइना में, जर्मनी में, स्पेन में, हर जगह हैं, लेकिन हम जो है पिछले लास्ट 50 ईयर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, जर्मनी से आ रहे हैं माल। जर्मनी से इम्पोर्ट कर रहे हैं, सही। अच्छा, एग्जीबिशन में जैसे आप लोग पार्टिसिपेट पहले भी करते रहे हैं, अभी भी करते रहे हैं, तो मतलब उसमें क्या कहना चाहेंगे, क्या रोल होता है? बहुत 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 अच्छा करने में, जैसे आप बता रहे हैं कि सीधे बाहर भी आए, कॉन्टेक्ट भी हमारे अच्छे हुए, रेस्पॉन्स हमें अच्छा मिला है। नहीं, बहुत अच्छा कामयाब रिजल्ट रहा है, क्योंकि ये हमें एक तरह से अपने कस्टमर से मिलने का, उनके मसले मसाइल को सुनने का एक प्लेटफॉर्म पे हमने उनको कॉल कर ली है। मिसाल के तौर पे कल का दिन जो गुजरा था हमारा, सेकेंड डे ऑफ द एग्जीबिशन, उस पर तकरीबन हमारे 50 क्लाइंट हमारे स्टॉल पर विजिट करके गए। मैं अगर 50 क्लाइंट से मिलने जाना चाहूँ इंडिविजुअल, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं एक दिन में। तो मुझे एक मेरे 50 क्लाइंट मुझसे मिलके चले गए और एक ही जगह पे, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मुलाकात का। अच्छा, थोड़ा सा अगर आपकी कंपनी के हवाले से बताएं कि आपकी कंपनी कब से एस्टेब्लिश है, कैसे स्पीड में आए, और मतलब ये केमिकल इम्पोर्ट के अलावा भी मतलब आप कर रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, हम लोग एस्टेब्लिश हुए थे 1968 में, तो उस वक्त भी हम लोग और दूसरे काम भी कर रहे थे। फिर हम फॉरेन कंपनीज की तरफ आए, हमने फॉरेन कंपनीज को यहाँ रिप्रेजेंट करा, और बहुत सारी कंपनीज हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केमिकल भी हैं, लुब्रिकेंट्स भी हैं, और इसी तरह क्या कहना है, और आइटम भी हैं हमारे, इम्पोर्टेड आइटम्स हमारे पास होते हैं, मगर हमारे पास सारे प्रोडक्ट क्वालिटी के होते हैं। जब हमारा क्लाइंट हमारे प्रोडक्ट यूज़ करता है तो फिर वो यूआईएलआई यूज़ करना चाहता है, फिर चेंज नहीं करना चाहता है। हम लोग क्वालिटी पर ज़्यादा कंसिडर करते हैं, गौर करते हैं और मेंटेन करने की कोशिश करते हैं अपनी क्वालिटी को, इस वजह से लोग पसंद करते हैं इम्पोर्टेड आइटम हमारे। अच्छा,